गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कामिनी शर्मा फ्रॉम प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल। टुडे आई एक्सप्लेन आर्ट एंड क्राफ्ट सब्जेक्ट ऑफ क्लास 6। एज आई नो दैट ऑल ऑफ यू आर वेरी क्रिएटिव, नाउ इट्स अ टाइम टू शो योर क्रिएटिविटी एंड कंप्लीट योर आर्ट एंड क्राफ्ट वर्क। सो टुडे स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डू बर्ड्स टॉपिक, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 9 ऑफ योर बुक। आज हम क्या करेंगे बच्चे, बर्ड्स टॉपिक पे ए आर्ट एंड क्राफ्ट करेंगे, जो आपकी बुक में पेज नंबर 9 में दिया हुआ है। आई होप सो कि जो बर्ड्स की शेप्स है जो आपकी बुक में दी हुई है वो आप सबको क्लियर हो। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और बहुत ही ईजी टॉपिक है। आपको मेनली क्या करना है, जस्ट अपनी क्रिएटिविटी दिखानी है और उसको बहुत ही अट्रैक्टिव वे से आपको रिप्रेजेंट करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। आर यू फेमिलर विथ द बर्ड्स गिवन बिलो? दे आर डक, हेन, रॉबिन, क्वेल एंड ऑस्ट्रिच। बोल रहे हैं कि नीचे जो आपके बुक में ये कुछ पक्षियों के जो चित्र दिए गए हैं, आई होप सो इन सब चित्रों से आप फेमिलर हो, आपको इन सब चित्रों के बारे में पता हो। अब जो कुछ चित्र हैं बर्ड्स की वो क्या है, कुछ जो है वो डक है, कुछ रॉबिन है और कुछ हेन है। एंड रेस्ट ऑफ दी जो दो पिक्चर्स हैं वो मेनली हमारे क्वेल और जो ऑस्ट्रिच है वो किस पेज पर है, नेक्स्ट पेज पे है। सो स्टूडेंट्स एंड मैं आपको इसमें कैसे आपको वर्क करना है, आपने अपनी कैसे क्रिएटिविटी बतानी है, उसको आपको एक बर्ड के साथ करके बताऊंगी। बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स के जो आपको कलर करने हैं, जो पैटर्न आपको फॉलो करना है, वो आप सबको खुद करना है। नाउ लिसन, बिफोर डूइंग द ड्राइंग इन दिस टॉपिक, व्हाट वी रिक्वायर, हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। वी हैव टू टेक अ पेंसिल एंड ड्रॉ देम। हम लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए, एक पेंसिल चाहिए और उस पेंसिल की हेल्प से मुझे क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। देन पेंसिल के साथ साथ और क्या चाहिए मुझे, देन कंप्लीट द ड्रॉइंग ऑन द डॉटेड लाइन्स विद द हेल्प ऑफ ब्लैक इंक पेन। सबसे पहले तो हम जो पिक्चर है वो किससे बनाएंगे, पेंसिल से बनाएंगे और फिर उस पिक्चर में जो डॉटेड एट लाइन्स अपीयर्स हो रही है उसको हमने ब्लैक स्केच पेन से क्या करना है, या ब्लैक इंक पेन से हमको उसे कंप्लीट करना है। सो ऑल्सो क्रिएट शेड्स, और उसके बाद आपको सिंपली क्या करनी है, उसमें शेड्स का पैटर्न क्रिएट करना है। सो सी बच्चा, आई एम डूइंग दिस, आई हैव टेकन द पेंसिल एंड आई एम हैविंग ब्लैक स्केच पेन। सो मैंने एक ब्लैक स्केच पेन ले लिया है और एक पेंसिल ले ली है। अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आर फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू शार्प योर पेंसिल, बिकॉज शेडिंग और पिक्चर्स को बनाने के लिए सबसे पहले जो पेंसिल है उसकी जो पिन है वो शार्प होनी चाहिए। ओके, देन लेट्स स्टार्ट। अब हम क्या करेंगे, ये जो पेंसिल है, मैंने जो ये डॉट्स बने थे उसको पेंसिल से मैंने हाईलाइटेड कर दिया। So I have to highlight it all the points with pencil. Okay, so see I am doing. So I am highlighting it with pencil. See bachcha, I am doing. And listen students, डोंट डू द डबल कोटिंग, उस पर डबल कोटिंग नहीं करनी। ओके, आपको डबल कोटिंग नहीं करनी है, एक सिंगल लाइन से इसके ऊपर पेंसिल से आपको मार्क करना है जहाँ पर भी डॉट्स हैं। आफ्टर डूइंग दैट व्हाट इज़ आवर नेक्स्ट स्टेप, इफ़ यू आर हैविंग अ ब्लैक पेन, ब्लैक इंक पेन है, इवन आई एम शोइंग दैट आई एम हैविंग अ ब्लैक स्केच पेन। सो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट highlighted the boundaries with the black sketch pen. This is our next step. So instead of black sketch pen you can use black ink pen also. So see bachcha, I'm doing.
okay? So in this way, you have to mark the lines, but don't change the shape. Whatever shape is appearing on the page, it you have to cover that shape or fill that shape with pencil or a black pen. Now it's up to you. If you are having a black gel pen, then you can make the boundaries with the black gel pen. Now after doing the after making the boundaries, what are next step? We have to shade. ठीक है, हमें क्या करना है? शेड करना. नाउ सी, इन दिस वे आई एम शेडिंग, ओके? एंड द पैटर्न ऑफ द शेड शुड बी इन सिमेट्री. इफ यू आर शेडिंग इट हॉरिजेंटली, देन इट शुड बी हॉरिजेंटली, ओके? सी लाइक दिस, इफ आई हैव स्टार्टेड इन दिस वे ना, तो इट शुड बी इन दिस वे. एंड द बेस्ट वे ऑफ शेडिंग इज दैट, आप क्या करो, जो उसकी बाउंड्री लाइन्स है जस्ट उस पर शेड करो. और उसको शेड करने के लिए जो भी आप पैटर्न फॉलो कर रहे हो वो पैटर्न सेम रखिए, ओके? इन दिस वे यू कैन शेड. और बच्चे, अगर देखा जाए तो जो बर्ड्स हैं, यही एक ऐसे क्रिएचर्स हैं जो बिल्कुल आज़ाद हैं, जो कहीं पर भी उड़ सकते हैं, जा सकते हैं. और इवन मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारी भी लाइफ एक बर्ड की तरह ही होनी चाहिए, कि इन केस अगर मुझे कहीं पर जाना है तो मैं उड़कर कहीं पर भी पहुँच सकूँ. सो आज जो आपको टॉपिक आपकी बुक में दिया है, इवन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. इससे आप क्या कर सकते हो, अपने इमोशंस और फीलिंग्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बस अपनी क्रिएटिविटी को दिखाकर. सो इन दिस वे यू हैव टू फिल this page, you have to complete the pattern, you have to complete the shades. You can create the shades is as per you. आपको जिस भी ढंग से वो शेड करनी है आप वो कर सकते हैं, but do the creativity and make the pictures attractive so that you will get good grades in your art and craft subjects. In case students, if you are having any query, then send it on a WhatsApp group. Thank you. Have a nice day.